हेलो एवरीवन, फिर हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं अब और अंधेरा हो रहा है बिकॉज अराउंड 2 o'clock आए थे, पूरी रात के जगे हुए हैं और आते ही सो ये रूम है। अरे इसका वॉशरूम है, ओके आज ही सब सो गए, अभी सो के उठे हैं और अब खाना खाने की तैयारी हो रही है। तोमर सर और पोन्नी सर गए हुए हैं खाना लेने या पता करने बाहर, सो चलते हैं अब बाहर ही चलते हैं। उनकी कॉल आई थी कि आ जाओ बाहर ही खाते हैं चल के और खाने की वीडियो दिखाते हैं आपको आगे, बाकी और वीडियो हम बना नहीं पाए बिकॉज ऑफ नींद की वजह से। नींद इतनी तेज़ आ रही थी, अपनी आँखों में नींद भरी पड़ी है। अब रात को नींद पूरी करते हैं बिकॉज सुबह हमें निकलना है। अब आगे वीडियो हम आगे दिखाते हैं, चलो मिलते हैं। सो वी आर रेडी। फोन आया था अभी उमर सर का कि खाना खाने आ जाओ, तो बाहर ही खाने की थाली लगवाई है। अब देख सकते हो यहाँ पे हमने रूम लिया है, रूम के ओनर से भी इंट्रोडक्शन के बाद में आते हैं जब वो मिलता है। तो अभी हम चलते हैं खाना खाने। ये रूम हमने राम झूला है जो उसके वहीं पे लिया है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट ऑफ द मेन सिटी कह सकते हैं। फ्रंट में क्योंकि यहाँ पे स्पेस है नहीं, आश्रम आश्रम बने हुए हैं तो होटल गेस्ट हाउस वगैरह सब बैक साइड बना रखे हैं, वो भी गिने चुने ही हैं। देख सकते हो आप, अंधेरा अंधेरा दिख रहा है बस। बैक साइड खाना वाना हो गया है, चलते हैं अब कुछ मीठा खाने के लिए। खराब नाम है ये वही चढ़ा रहे हैं जहाँ बाबा ने बोला कि हज कर दोबारा, हज कर दोबारा बाइक नहीं चढ़ेगी, आप चढ़ेगी तो फोटो खींच के अपने भाई को भेज, मोहन को कहते हैं हज कर चढ़ जाएगी। पापा मम्मी सब ये नानी को नहीं करती, चश्मे चश्मे खाने के बाद कुछ मीठा ढूंढते हुए। नाइट वॉक ये कुछ गुस्से मिल गया, दिल्ली में भी है जिसमें चला।
चोटी वाला बैठे चोटी वाले इन्हीं का रेस्टोरेंट है, बताओ इनका है या नहीं। अब आ गए हम राम जिले को, अगले वीडियो में वहाँ दिखाते हैं आपको। आइए अब बाबू भाई इसको रहेंगे वीडियो में। ये है किसी गेस्ट चुके हैं नाइट में गंगा जी के घाट पर बैठ कर, बहुत अच्छा लगा। बाकी अब इसी गेस्ट को मार्ग का एक्सप्लोर करते हैं, चलते हैं थोड़ा आगे की साइड में। थोड़ा बहुत अब भी रश है इस टाइम पर, देख सकते हो आप मॉर्निंग में, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता होगा। अरे मिले ना मिले उसकी तो मेरी गारंटी है, तुम्हें बताया साइड में आपको दिख रही है। यहाँ पर आपको यहाँ से आप कुछ मतलब यादगार चीज़ें लेकर जा सकते हो। बाकी आगे की साइड में दिख रहा होगा आपको गीता भवन है मेरे सामने, और गीता भवन के सामने बहुत ही सुंदर घाट है। बाकी इस गीता भवन में आप आ सकते हो, यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग नहीं है। आप यहाँ पर आपको ऑफलाइन ही रूम वगैरह लेने पड़ेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रूम मिल जाते हैं यहाँ पर। बाकी इसके अंदर आपको खाना मिल जाएगा, 50 रुपीज़ जो है एक टाइम खाना आपको मिल जाएगा। 1000 ऑफ अराउंड 1000 रुपीज़ है अवेलेबल इसके अंदर, बट रूम खाली मिलना बहुत मुश्किल होता है, सो ये आपको देखना पड़ेगा आप ही। बाकी अब यहाँ से चलते हैं थोड़ा आगे। एक्यूप्रेशर के लिए, एक्यूप्रेशर के लिए हाँ मेरा बनेगा, बनेगा एक लगेगा ये। एक्यूप्रेशर कैसे इनका, इससे ब्लड प्रेशर खून जाम चालू होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है जी। कैसे यूज़ करना है इसको, बस ऐसे मुट्ठी दबाते रहिए। अच्छा, तो सब ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा है जी। सी क्या चीज़ के लिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखती है। और ये किस लिए अंकल जी, पूरे शरीर के मसाज के लिए। ओके ऑफिस का स्ट्रेस है। ये सर के लिए ऑल बॉडी मसाज, ऑल बॉडी मसाज, ये भी ऑल बॉडी मसाज। इस पार्किंग नीड में आपको ऑल बॉडी मसाज आइटम यहीं पे अवेलेबल है। अंकल का वो तो पूछ लो नाम, क्या नाम अंकल जी आपका। संजय चरसिया। कहाँ से हो, कहाँ से हो। जन्मभूमि बिहार, कर्म भूमि उत्तराखंड। यहाँ पे कितने साल हो गए आपको। 22 साल हो गए आपके।
यहीं रह रहे हो? फैमिली के साथ? अब सब परिवार परिवार यहीं आप आए अपनी जन्मभूमि छोड़कर भगवान भोले जी की नगरी पर आए हो। टाइम क्या अंकल आपका यहाँ आने का? टाइम सुबह 10 बजे, रात में 10 बस 20 मिनट में ठीक है। लास्ट पान आपको खिला दूँ वीडियो लाजवाब पान कुछ कहना नहीं है अंकल जी। चौरसिया तो हैं ही, चौरसिया पान भंडार आपको पता ही है, सब जगह फेमस है। और अंकल जी वहीं से हैं, बहुत लाजवाब पान था, अलग ही स्वाद आ रहा है गुलकंद का, सब चीज़ों का, बहुत लाजवाब। आइएगा कभी अंकल जी के पास। कौन कौन है ये? गीता भवन है। गीता भवन अंकल जी? गीता भवन एक नंबर, गीता भवन एक नंबर, उसके वहाँ पर अंकल जी पान लगाते हैं, मीठा पान आके ट्राई कीजिएगा। तो अब हम चौरसिया पान भंडार से पान खाकर आ चुके हैं गीता भवन से आगे। गीता भवन से आगे इसी मार्केट में जो चौरसिया मिष्ठान भंडार है, वहाँ की मिठाइयाँ बहुत अच्छी हैं, जो प्योर मिठाइयाँ हैं ऐसा कह सकते हैं। तो वहाँ पर चलकर हम कलाकंद ट्राई करेंगे, तो खाने के बाद कुछ मीठा ज़रूर खाना था हमें। ये किस चीज़ से बना हुआ है अंकल जी? सर दूध का बना हुआ है। कैसे दूध से? दूध मतलब कच्चे दूध का, भैंस का दूध का? तो भैंस का दूध है, गाय का दूध है? भैंस का, भैंस का। अभी भाई को खिलाते हैं, एक एक सब कुछ करिए। ये तो हमारे रिव्यू देंगे इसके बारे में, ये रिव्यू बहुत अच्छे दूध आते हैं वाले मशीन से, कच्चे दूध की मलाई खा के बॉडी बनाएंगे यार। ये रिव्यू तो हमारे दिखाइए लो भाई। हम चाय मुँह में जाते ही भूल जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। नहीं कलाकंद तो बहुत खाया, दिल्ली में बहुत खाया, लेकिन ये तो हमारे लिए कुछ ज़्यादा काम उसको कलाकंद ऐसा कहीं नहीं खाया, जैसा यहाँ पे खाया ऐसा नहीं खाया। सो यार आके सो फाइनली अब हम अपने रूम पर पहुंच चुके हैं और आज का व्लॉग ख़त्म करने वाले हैं। हमारे बंदे अभी कुछ शॉपिंग कर रहे थे इसलिए वो पीछे रह गए और हम आगे आ गए हैं। होटल का कुछ सामान था, रजाई वजाई कम्बल उम्बल चाहिए था हमें, बट होटल स्टाफ यहाँ पर नहीं है अभी, एंड वी आर वेटिंग। वो आए और कम्बल उम्बल देते हैं, हमें रात को ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, सो हम मिलते हैं मॉर्निंग में कल के ब्लॉग के लिए। बाय।